आज हम बात करेंगे एक केस स्टडी के बारे में लिबे एंड द इंडियन शुगर कन्फेशनरी मार्केट तो आज चलिए बात करते हैं एक केस स्टडी के बारे में जो कि इंडियन मार्केट के बारे में जो कैंडीज बेची जाती है इंडिया में उसके बारे में है और ये इसमें जो मेन जो प्रोडक्ट uh, है वो एफ एन लिबे है एफ एन लिबे एंड द इंडियन शुगर कन्फेशनरी मार्केट एफ एन लिबे हार्ड बॉइल्ड शुगर कैंडी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स टू बी लॉन्च आफ्टर

दुनिया की सबसे लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट तीसरी सबसे बड़ी कन्फेक्शनरी मेजर आ, आ, जो कैंडी प्रोड्यूसिंग कंपनीज है और उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जैसे सेंटर फ्रेश है सेंटर शॉक है बिग बबूल है क्लोर मिंट है फ्रूटेला है, है कॉफिटोज है प्रोटेक्स है माप्स है चौकोलीब है चटरपटर चो, है चटर इन इट्स ब्रांड पोर्टफोलियो तो इसका प्रोडक्ट रेंज या प्रोडक्ट लाइन देखो कितना बड़ा है सेंटर फ्रेश है सेंटर शॉक है बिग बबुल है क्लोरमिंट है मेंटोस है फ्रूटेला कॉफी टोज है प्रोटेक्स हैपीडेंट है वाइट है मार्बल्स है देन चॉकलिबे है चटरपटर है एज ऑफ अर्ली 2008 थाउजेंड एट एफ एन लिबे वॉज द सिंगल लार्जेस्ट सेलिंग शुगर कन्फेक्शनरी ब्रांड इन इंडिया एंड मेड अप द मेजर पोर्शन ऑफ पी वी एम आई रेवेन्यू एस्टिमेटेड तो एफ एन लीबे बीवीएमआई का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेलिंग शुगर कन्फेक्शनरी ब्रांड था और ये तकरीबन सेवन बिलियन रुपीज रेवेन्यू जनरेट करता था पीवीएमआई के लिए इन 2007 एफ एन लिबे अवेलेबल इन थ्री फ्लेवर्स तो ये तीन तो फ्लेवर में अवेलेबल था रिच मिल्की कैरेमल क्रीम स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट तो ये तीन फ्लेवर में

क्रीम दो तो 2005 में उन्होंने एक कैंडी लॉन्च किया क्रीम फील्ड करके वो ऑरज सेंटर फील्ड कैंडी था एनलिस्ट गेव पीवीएम इन लो वैल्यू लो मार्जिन एंड फ्रैगमेंटेड शुगर कन्वेंशन मार्केट इन इंडिया दैट वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट इन अदर डेवलप कंट्रीज बट वेरी कॉम्पिटेटिव नेवर तो इंडिया का जो मार्केट था मार्केट था कन्फेक्शनरी शुगर कन्फेक्शनरी मार्केट इन इंडिया ये दूसरे मार्केट से बहुत ज्यादा डिफरेंट था कल्चरली बहुत डिफरेंट था और आइफन लिबे को एक अच्छा ब्रांड बनाने के लिए सब लोग अप्रिशिएट करते हैं शुगर कन्फेक्शनरी मार्केट इंक्लूड्स प्रोडक्ट्स सच एज स्वीट्स जेलीज गम्स बट नॉट चॉकलेट कन्फेक्शनरी शुगर कन्फेक्शनरी में आता है स्वीट्स आता है जेलीज आता है एंड गम्स uh, आता है च्युइंगम्स बट चॉकलेट नहीं आता वाइल देर वॉज अ लार्जेनाइज मार्केट फॉर शुगर द कैंडी मार्केट इन इंडिया का वो ऑर्गेनाइज मार्केट है और वो इन टू थाउजेंड सेवन फोर सिक्सटी वन मिलियन यूएस डॉलर

HLB है आई टी सी भी है तो इतनी सारी कंपनीज है एच एल है आई टी सीज है लोटी कन्फिशनरी है रिगलेस है पी वी एम आई है तो इस इनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं पी वी एम आई क्या है लॉटी क्या है कैडबेरी क्या है रिग्लेस क्या है तो पी वी एम आई पर हेडक्वार्टर लिनेट इटली में है एंड ब्रीडा नीदरलैंड में है Uh, ये एस्टैब्लिश हुई थी मार्च 2001 में थ्रू अमर्जर ऑफ टू कन्फेशनरी मेजर्स प्रिफिटी ऑफ इटली एंड मिला ऑफ नेदरलैंड तो ये इटली और नेदरलैंड का जॉइंट वेंचर है प्रिफिटी वैन मिले एस ऑफ अप्रैल 2008 यूएस डॉलर वन एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 40 रुपीस तो 40 रुपीस इक्वेलेंट होते थे 2008 में यूएस डॉलर 1 के रतन भूषण प्रीफिटी इंडिया ज्वाइंट ग्लोबल बिग लीग तो रतन भूषण ने भी रतन भूषण सर ने भी इनको ज्वाइन किया है यूरो मॉनिटर हेडक्वार्टर इन शिकागो यूएसए इज अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ ग्लोबल बिजनेस इंटेलिजेंस एंड मार्केट एनालिसिस यूरो मॉनिटर ये जो है अच्छा करेक्ट स्टैटिस्टिक बताती है बिजनेस के बारे में मार्केटिंग के बारे में ये यूएसए की एक कंपनी है

और ये शिकागो में उसका हेडक्वार्टर है यूएस में है और 2007 में इसका जो रेवेन्यू था 5.39 बिलियन यूएस डॉलर था लोटी कन्फिक्शनरी हेडक्वार्टर इन सियोल साउथ कोरिया इज अ कन्फेक्शनरी कंपनी दैट मार्केट्स इट्स प्रोडक्ट्स इन मोर देन 70 कंट्रीज इट इज ऑफ कोरियन बिजनेस कंग्लामरे लोटे ग्रुप तो लोटे ग्रुप ये कोरिया की कंपनी है इसका जो सब्सिडी इंडिया में लोटे कन्फेक्शनरी इसका जो हेडक्वार्टर है सियोल साउथ कोरिया में है और सेवनटी कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट्स बेचती है हिंदुस्तान यूनिवर एच

एफ एम सी जी सेक्टर में होटल्स में स्पेशलिटी पेपर्स में पैकेजिंग में पेपर बोर्ड में एग्रीकल्चर बिजनेस में है भी मार्केट uh, 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 में बहुत बड़ी कंपनी है उसके साथ गोदरेज भी है कैडिको भी है एंड रावल गांव शुगर फार्म लिमिटेड भी है एनालिस्ट फेल दैट मार्केट वॉज विशन इन ऑर्गेनाइज सेगमेंट तो एनालिस्ट बोल रहे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में सेगमेंट में एक्सपांशन हो रहा है और उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं इन द अर् टू थाउजेंड कॉम्पिटिशन सुगर तेज हुआ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड एफ एम सी जी मेजर एच यूएल एंड आई टी सी टू एंटर्ड फ्रे तो एच सी एल सॉरी आई टी सी भी इसमें

ट मनी ऑन शुगर तो ये जो

ये प्रोडक्ट uh, uh, रहते, candies रहते हैं कैंडीज रहते हैं उसके पैकेट बिकते हैं बट इंडिया में क्या होता है एक सिंगल जो कैंडी है वो ज्यादा बिकता है तो इंडिया में लोग सिंगल सिंगल कैंडी परचेस करते हैं अदर कंट्रीज में यूरोपियन कंट्रीज में यूएस कंट्रीज में पैकेट वो जो कैंडी का जो पैकेट है वो डायरेक्टली अ वेरी बिग चंक ऑफ द सेल्स कम फ्रॉम मॉम एंड एंड पॉप पान तो जो ये जो कैंडी जो शुगर कन्फेक्शनरी मार्केट है जिसके जो कैंडीज होते हैं जो यूनिट होता है वो नियर बाई शॉप्स में और पान के शॉप्स में ज्यादा परचेस किया जाता है मोर ओवर लाइक

ये एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है अगर एडवर्टीजमेंट नहीं हुआ तो लोग परचेस नहीं करेंगे, product, नहीं, हुआ तो लोग नहीं, करेंगे नहीं मिला अगर कहीं पे अवेलेबल नहीं है तो लोग वो परचेस करना छोड़ देंगे देवे ट्राइंग टू रिपोजिशन द ब्रांड टू अपील टू द होल फैमिली तो ये लोग क्या कर रहे हैं

और उसके साथ स्मार्ट एडवर्टाइजिंग भी किया डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा रखा तो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हुआ ब्रांड वाज पोजीशनड एज एन इर्रेजिस्टेबल ऑफरिंग विथ द पे ऑफ लाइन कम गम चिंगल जी लालच आए रहा ना जाए तो uh, इन्होंने क्या किया अच्छा जिंगल प्रमोशन और ऑफर्स uh, uh, ज्यादा अच्छे लॉन्च किए और इर्रेजिस्टेबल जो ऑफर है ये इन्होंने

ताकि कस्टमर इसको अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर सके और रिमेंबर और रिकॉल कर सके by 2002, एम आई रेवेन्यू दो हजार दो तक वन बिलियन रुपीज का ब्रांड बन चुका था ऑल्सो के ब्रांड इंटरेस्टिंग टू द टारगेट ऑरियंस बाई लॉन्चिंग न्यू वेरियंट सच एस क्रीम स्ट्रॉबेरी इन टू थाउज थ्री एंड चौको डूट इन 2007 तो 2007 में चॉकलेट डुएट लॉन्च किया 2003 में क्रीम स्ट्रॉबेरी लॉन्च करके वैरायटी भी कस्टमर को दिया गया है इट वाज अ रिलेटिवली लेट एंट्रेंट इन द लॉलीपॉप लॉलीपॉप सेगमेंट तो एफ लेट एंट्री किया लॉलीपॉप सेगमेंट इन द लॉलीपॉप मार्केट दैट वाज डिक्लाइनिंग 14% इन 2002 डोमिनेटेड बाय टू ब्रांड्स पिम पॉम ऑफ जॉयको

सो एंड तो 2003 में पीवीएमआई मार्केट लीडर बना अभी थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया इसके बारे में वो क्या है हम देखते हैं नेस्ले इंडिया लिमिटेड इज द इंडियन सब्सिडरी ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग पैकेज फूड कंपनी तो नेस्ले जो है वन ऑफ द ये सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है दुनिया की

ये सबको पता होगा आई थिंक इसका जो लैकटोकिंग प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा फेमस है मार्केटिंग रिव्यू जो है ये एक आ, एक स्टैटिस्टिक प्रोवाइड करने वाला एजेंसी एग्रोलिमेन इज द लीडिंग स्पेनिश कंज्यूमर गुड्स कंपनी तो स्पेनिश कंपनी एग्रोलिमिन मोहिनी भटनागर शुगर फ्री बॉटम लाइंस यहां से कुछ रिसोर्सेस लिए गया है So, this is all regarding this case study FN Libe and the Indian Sugar confectionery Market. Thank you very much for watching this video. Kindly subscribe to my YouTube channel, YouTube channel VP Marketing, and kindly like, share, and comment.